कार दोस्तों दोस्तों जब पूरी दुनिया अपने देश की तारीफ करने में लगी हुई थी, जब भी भारत देश ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया कि वह पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2002 में भारत देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपना देखा था कि हम कश्मीर को जोड़ने वाले एक रेल पुल का निर्माण करेंगे जो चिनाब नदी के ऊपर होगा, वह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा। तो आइए जानते हैं कि वह पुल अब तैयार हो चुका है और उस पर रेल यातायात 2022 दिसंबर तक चलने के लिए संभावना है। तो आइए जानते हैं कि यह कितना ऊंचा है। रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना रही है। ये पुल चिनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कटरा के बक्कल और श्रीनगर के। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं अपने इंजीनियरों ने यह कमाल कर दिखाया है उसके लिए ताली बजाना चाहता हूँ। तो सेकंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह पुल 359 मीटर ऊंचा है। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं फिट में तो यह करीब 1178 यानी 1178 फिट बैठता है। यहीं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई करीब 72-73 मीटर है। तो कुतुब मीनार को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक यानी कि 5 बार एक के ऊपर एक रखोगे जब इस पुल की डिस्टेंस है, तो यानी कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा यह पुल बन रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पुल कितनी ऊंचाई पर बन रहा है। आपको बता दूं कि 1315 मीटर लंबा यह पुल सीधा कश्मीर को जोड़ेगा, जो कि हमारे सेना के जवानों को भी जाने में यानी ट्रैवलिंग करने में आसानी होगी, जो कि हमें बॉर्डर तक पहुंचाने में एक सुविधा होगी और हम कम समय में ज़्यादा ट्रैफिक एक जगह से दूसरे जगह तक यानी कि कश्मीर तक पहुंच जा सकते हैं। तो एक बात तो है दोस्तों, पैसा तो लगा है पर लेकिन यह एक सुविधा हमारे लिए बहुत ही सूटेबल हो गई है। आइए बात करते हैं कि इस पुल में बनने के लिए कितना पैसा खर्चा हुआ है। अब जब पैसों की बात आई गई है तो मैं आपको बता दूं कि 28,000 करोड़ की लागत से यह बना पुल चिनाब नदी के ऊपर बनाया है। पुल 120 साल की लाइफ टाइम के लिए बनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह पुल भूकंप रोधी बनाया गया है। कहने का मतलब यह है कि इस पुल का भूकंप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, यह इतनी मजबूती से बनाया गया है। आखिर जब इतना खर्चा हो ही गया है तो मजबूत और भूकंप रोधी तो बनना ही था। आपको बता दूं कि बम्बई की प्रसिद्ध कोणक कंपनी इस पुल का डायरेक्ट कर रही थी, यानी इस पुल का निर्माण यह कंपनी कर रही थी, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि इंजीनियरों ने बादलों के ऊपर भी पुल बना दिया है, क्योंकि जब बादल आते हैं तो बादल इसके नीचे आ जाते हैं और यह पुल बादलों के ऊपर आ जाता है, जैसे कि आप फोटोग्राफी के माध्यम से देख रहे हैं। यह इतनी ऊंचाई पर बना है। अब चलते चलते एक और बात बता दूं कि यह जिस स्टील से बना हुआ है, यह -10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान झेलने के लिए लायक है। यानी कि आपको मोटे तौर पर बता दूं कि यह कश्मीर के जो वातावरण है उसके लिए बिल्कुल सुटेबल ब्रिज बनाया गया है। आपको बता दूं कि यह कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर लंबे रेलखंड को जोड़ने के लिए एक बड़ी छंगाल लगाई है रेलवे ने। मैं अभी तो जान लो कि इससे पहले दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा था, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों आपको जानकर एक हैरानी होगी कि इससे पहले जो कि लास्ट तीन होते हैं, पहला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वे तीनों के तीनों चाइना के पास हैं। जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है वह नाजी है रेलवे ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 310 मीटर है, जो कि हमारे चाइना देश में है। इससे सेकंड भी चाइना में है और थर्ड भी चाइना में है। पर लेकिन जो हमारा चिनाब नदी के ऊपर बन रहा पुल, यह अब दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है। तो क्या आपको उस पुल की इतनी जानकारी पता थी? अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वही दोबारा से लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।